किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। नमस्कार किसान साथियों, आज जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक और नई योजना लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। हमारा मकसद इतना ही है कि बकरी पालन क्षेत्र में किसानों को फायदा हो, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर किन किन तरह की योजना है, किन किन तरह की स्कीमें हैं, जो सब्सिडी स्कीम है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारी सरकार, भारत सरकार, विभिन्न प्रदेशों की सरकार बकरी पालन के क्षेत्र में एक रोजगार उत्सर्जन के लिए एक बड़ा अच्छा फील्ड मानकर चल रही है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के राज्य के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग स्कीमें चलाई गई है। मुख्यतः अगर देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर तीन स्कीमें हैं जो फिलहाल चल रही है। पहला स्कीम NLM स्कीम है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। इस स्कीम के तहत आपको 50 लाख तक का सब्सिडी मिल जाता है, या फिर 50% सब्सिडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जो प्रोजेक्ट का वैल्यू है वह आपको मिल जाता है। दूसरी स्कीम जो है वो है PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें 20 लाख के प्रोजेक्ट वैल्यू के आधार पर 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। और तीसरी स्कीम जो है ACABC एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस सेंटर। इसमें जो है जनरल कास्ट के लिए 36% सब्सिडी और SC ST कास्ट के लिए 44% सब्सिडी तक है। इसमें भी प्रोजेक्ट वैल्यू मैक्सिमम 20 लाख तक की हो सकती है। तो ये तीन स्कीम है जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। इसके अलावा कई और भी स्कीम है जो प्रदेश सरकार, अलग अलग प्रदेश के सरकारों, यहाँ का माहौल और बकरी पालन के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के हिसाब से अलग अलग स्कीमें चला रही है। तो इन तीनों स्कीमों में से आज हम जिस सिर्फ और सिर्फ PMEGP के बारे में ही जानकारी और बात करने वाले हैं। तो PMEGP या प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत ये राष्ट्रीय स्तर पर स्कीम है जो विभिन्न क्षेत्रों के रोजगार उत्सर्जन के लिए बनाई गई है। और इसके हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले बकरी पालन के क्षेत्र में भी शामिल किया गया है। और पहले PMEGP बकरी पालन क्षेत्र में नहीं था, अभी 3-4 महीने में ही शामिल किया गया है। और इसमें जो है बकरी पालन के लिए मैक्सिमम 20 लाख तक का प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम 35% की सब्सिडी मिलती है। इसमें जो है अलग तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है, जैसे कि जो जनरल कैटेगरी के उनको 25% तक की सब्सिडी मिलेगी, और फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, जैसे OBC SC ST, इनको 35% की सब्सिडी मिलेगी। अब जो है इसका अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं, खासकर कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको पता नहीं चलता है। बहुत जरूरी भी है पता करना। तो मैं बता दूं कि सरकार की गाइडलाइंस के माध्यम से तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वह भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसका जो प्रोसेस है ये बड़ा सिंपल है। पहली चीज हमें यह समझने की जरूरत है कि जो भी अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वह हमारे लिए ही नियुक्त किए गए हैं, और हमें उनसे घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है घबराने की। यह स्कीम दो अलग अलग विभाग के माध्यम से अप्लाई की जा सकती है। एक तो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से,
और दूसरा खाद्य विभाग बोर्ड के माध्यम से दोनों की अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि जिला उद्योग अधिकारी होता है और दूसरा होता है खाद्य ग्राम उद्योग अधिकारी अधिकारी होता है। इनके माध्यम से इसके ऑफिस में अपना फाइल को अपना एक डीपीआर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के इन अधिकारी से इन अधिकारियों के ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। यह अधिकारी आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी लेंगे कि क्या आप जेन्युइन हैं, आपकी जेन्युइनिटी का टेस्ट करेंगे कि वाकई इस काम के लिए जेन्युइन तरीके से करना चाहते हो, कोई और गलत व्यक्ति तो नहीं है जो सब्सिडी का फायदा उठाना चाहता है, और इसके माध्यम से आप इस प्रोजेक्ट का अप्रूव करा के और आपको प्रोजेक्ट को मार्क करके संबंधित बैंक को आपके गृह क्षेत्र में पड़ता होगा मार्क करके भेज दिया जाता है। और ये अधिकारी मॉनिटरिंग भी करते हैं कि जो प्रोजेक्ट इनके द्वारा फॉरवर्ड किया गया है क्या उन पर लोन हुआ है या नहीं हुआ है, यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, क्या वजह हो सकती है। अब हम जान लेते हैं कि PMEGP की अप्लाई करने के लिए किन तरह के डॉक्यूमेंट किन तरह के कागजात की जरूरत पड़ती है। अप्लाई करने से पहले तो हमने किसान मित्र के दिमाग में जो अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा है होता है उनके दिमाग में आता है कि पता नहीं कौन कौन से कागजात मेरे से मांग लिए जाएंगे और जिसकी वजह से दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट का एक अच्छा अमाउंट उनको दे बैठते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, पहले अपनी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी भी अधिकारी के पास जाने से पहले कुछ कागजात लगने वाले हैं उन सभी कागजात को अवेलेबल करवाइए, इनका फोटोकॉपी करवा कर रखिए, इसके बाद ही DPR बनवा के उन अधिकारी संबंधित अधिकारियों के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर लेकर के जाइए। तो मैं बता दूं कि जो भी किसान PMEGP में अप्लाई करना चाहता है उनका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड से लिंक जो भी मोबाइल नंबर है वह देना पड़ेगा, उसमें OTP आएगी, जब अप्लाई करेंगे तो OTP आपको चाहिए होगा वो आपको देना पड़ेगा, साथ ही साथ पैन कार्ड लगेगा, शिक्षित योग्यता का सर्टिफिकेट लगेगा यानी कि एयर एजुकेशन का सर्टिफिकेट। एक बात मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूँ देता हूँ कि जो 10th पास सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड दोनों में डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, और जिन किसानों के पास शिक्षित योग्यता नहीं है वह भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है कि किसान होगा वही आवेदन कर सकता है, अनपढ़ आदमी भी अनपढ़ किसान भी आवेदन कर सकता है अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपके गृह क्षेत्र में रहने का प्रमाण पत्र होता है जैसे जिला प्रशासन जारी करता है आपको वो एक डॉक्यूमेंट लगेगा। एक डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए जिसको DPR भी बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा किसान है नहीं है उसके जरूरत मदद चाहिए होगी कि किसी और व्यक्ति से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाए या हमसे भी बनवा सकते हैं, उसका आपको फीस देना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति ले सकता है, जैसे मान लीजिए मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, इनमें से कोई एक ही ले सकता है, मेरे माँ मेरा बाप एक अलग परिवार हुआ, मेरे भाई की फैमिली एक अलग परिवार हो गई, तो मैं मेरी बीवी मेरा बच्चा जो अनमैरिड हो उन बच्चे की बात कर रहा हूँ, इनमें से कोई एक ही सब्सिडी का लाभ ले सकता है, इसके लिए परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए होगी या फिर आपके जो राशन कार्ड है
आपका सभी का डिटेल्स होता है, उन राशन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। इसके अलावा अगर आप ऐसी किसी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं सब्सिडी 35% वाली, जैसी आपका ओबीसी कैटेगरी या एससी या एसटी, ऐसे केस में आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। इन कागजों के अलावा प्रधान के द्वारा जारी किया गया अन्य आपत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी कि इन पत्र के प्रधान ये आश्वासन देता है कि किसी भी आसपास रहने वाले जनसंख्या को किसी को भी इनके बकरी पालन के कार्य करने से कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा एक बैंक खाते की जो पासबुक होती है उसका प्रथम पेज जहां पर खाते का विवरण होता है और जहां पर आपका फोटो लगा होता है उसकी फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी लगेगी। ये इन इसलिए दी जाती है क्योंकि जो लोन ले रहे हैं आपका जो फाइल है PMEGP, तो उस संबंधित बैंक उस संबंधित खाता को मार्क करके भेजी जाती है तथा बाद में जब सब्सिडी आती है वो इसी खाते में आती है। तो इन सब इसलिए आपको बैंक खाते की प्रथम पेज की फोटोकॉपी देनी जरूरी भी हो जाती है। तो यह सब डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जरूरत है कि कुछ किसान अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो तो जाहिर तौर पर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसी और से ही बनवाएंगे। अब आप बनवाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या है, मतलब कितना अपना मार्जिन मनी रहेगा, आप कितना लगा रहे हैं, बैंक आपको कितना पैसा, उन पैसे को से बकरी पाल के पैसा कैसे कमाएंगे, बैंक को कैसे चुकाएंगे, यह सब चीजें डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखी होती है। और आपको इन सब चीजों के बारे में खुद को पता होना चाहिए कि आपकी DPR में क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी से बनवा लिया और आप अधिकारी के पास पहुंच गए, जब वो अधिकारी आपका छोटा सा इंटरव्यू लेगा तो उसे वो कॉन्फिडेंस आपके आपके ऊपर नहीं आएगा। कभी भी भाई जो काम करना शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपके बारे में आपको खुद पता नहीं है तो अधिकारी को लगेगा कि ये जैनी बंदा नहीं है, व्यक्ति ये या व्यक्ति नहीं है नहीं है। और यही सिचुएशन बैंक की भी होगी, उसको भी फिर यह महसूस होगा कि पता नहीं ये जो प्रोजेक्ट मेरे पास फॉरवर्ड होकर आया है ये जो किसी जेन्युइन व्यक्ति का है या नहीं है। लेकिन ये चीज हमें कंफर्म करनी पड़ेगी कि बेशक हम पढ़े लिखे ना हो लेकिन हमें DPR के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इसमें क्या लिखा है, हम किस तरीके से बैंक का पैसा लेकर उसको पैसा वापस लौटाना चाहते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो ये कैटेगरी है OBC SC ST जिनको 35% तक की सब्सिडी मिल रही है उनको मार्जिन मनी सिर्फ 5% देनी होगी और जो जनरल कैटेगरी है उन्हें मार्जिन मनी सिर्फ 10% देनी होगी। दोनों दोस्तों मैंने शुरू में जी तीन स्कीम बताया, इनमें से सबसे आसानी से PMGP स्कीम को लिया जा सकता है। इसमें खास बात यह है कि छोटे किसान के लिए भी बनी है, जैसे 1 लाख या 1 लाख से 20 लाख तक का प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाल सकते हैं। तो इसका प्रोसेस सबसे आसान है और सबसे आसानी से मिल सकती है। उसी तरह अगर बात करें NLM की जो स्कीम है उसमें क्या है कि इतना प्रोसेस इतना लंबा है, इतना लंबा डिजाइन कर दिया गया है कि प्रोजेक्ट अप्रूव होते होते 6 से 8 महीना से 10 महीना तक लग जाता है आज की डेट में ये जो देखा गया। और हम बात करें ABC की बात करें तो इसमें लिमिटेशन यह है कि अगर आपके पास 10वीं में बायो रिलेटिव या एनिमल हस्बेंड्री रिलेटिव या एग्रीकल्चर रिलेटिव सब्जेक्ट नहीं है,
और है तब उसकी आप एक ट्रेनिंग कर सकते हैं और तभी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और ये जो एक ऐसी स्कीम है, अगर आप अपने कागजात अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं तो मात्र आपको 15 से 20 दिन की में ही इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसकी अप्रूव हो जाएगी तो सब आप अपनी पीएमजीपी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उनकी सभी की फोटोकॉपी लगवाइए और खाद्य ग्राम उद्योग अधिकारी या फिर जिला उद्योग अधिकारी के पास जाइए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर बैठिए, आपको बड़ी मदद मिलेगी। अगर किसी को किसी प्रकार की मदद चाहिए हो, हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। आपका डेटा कलेक्ट करके आपको इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बिल्कुल आपको दिया जाएगा और साथ ही साथ पूरी मदद की जाएगी, कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। हमारे तरह इसी प्रकार के आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। और रही बात है कि इसी प्रकार के वीडियो हम लोग बनाते रहते हैं और अपने चैनल पे दिखाते रहते हैं। जिन भाइयों को हमसे ट्रेनिंग लेना हो ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर मेंबरशिप, वो भी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जरूरत हो तो वो भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोई तरह का कोई परेशानी दिक्कत हो वो भी हमें हमसे कॉन्टेक्ट करके सोल्व करवा सकते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवाहर, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नई टॉपिक, नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।